भाई कैसे हो आप लोग? लगता है इस वेकेशन में पढ़ाई का तो बिल्कुल ही मूड नहीं है आपका, है एकदम फुल टू जलसा। सो बच्चा अभी जलसा को बंद करना पड़ेगा एंड फिर से पढ़ाई को शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, लॉकडाउन जब खत्म होगा तब होगा, जब क्लासेस ऑन होगा तब आएंगे। फिलहाल अभी बेटा हम वीडियोस के थ्रू एंड ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू ही पढ़ने वाले हैं। सो भाई आज हम आपके साइंस का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, साइंस चैप्टर वन, जिसका नाम है मैटर्स सराउंडिंग अस। भाई हमारे आजू बाजू कुछ मैटर है, मैटर हुआ है ना। कल वो नाना नानी झगड़ रहे थे, कल वो बाव घर इस घर के बा उस घर के बा से झगड़ रहे थे, मैटर हो गई हमारे अंदर। हाँ नहीं बेटा, ये वो मैटर नहीं है। देखो बेटा, इस बार का जो आपका साइंस है ना, वो 8 की या 7 की तरह नहीं है। अभी तक तो क्या रहता था, वर्कबुक थी, वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स पढ़े, उन्हीं में से एग्जाम में आ गया और लिख दिया। नहीं, अब हमको पूरा चैप्टर पढ़ना है। और अब ऐसी चीजें बेटा, क्या ऐसा भी नहीं कि चलो चैप्टर में ये लाइन दी हुई है तो ये लाइन आंसर की आएगी, नहीं ऐसा भी नहीं है। कॉन्सेप्ट्स, क्या होता है ये कॉन्सेप्ट्स, वो मैं आपको सिखाऊंगा ऑनलाइन लेक्चर में। सो आइए आज हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं, मैटर। सो भाई मैटर, मैटर का मीनिंग क्या होता है? भाई मैटर का मतलब है वो सारी चीजें, वो सभी चीजें जो हमारे आसपास है और जिसके पास कुछ वजन है, मास। साइंस में एक वर्ड है मास, जिसका मतलब होता है वेट, वजन है, एंड वो कोई जगह लेता है। भाई जैसे मार्कर, मार्कर का वजन बहुत ही कम है, देखो एक उंगली से उठ जाती है, बट है तो सही ना, कम है लेकिन है तो सही ना। इसको भी जगह चाहिए, भाई जिस जगह में ये पड़ी भी है मैं वहां पे और कुछ नहीं रख सकता। सो एनीथिंग, एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, भाई वो कुछ स्पेस घेरती हो तो उसे हम बोलेंगे मैटर। अच्छा बच्चा, अब आप बोलोगे सर ये डेफिनेशन हमको लर्न करनी पड़ेगी, बुक में दी होगी कि नहीं दी होगी। पहली चीज तो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, दूसरी चीज क्या आपको घबराने की फिर भी जरूरत नहीं है, बिकॉज बेटा हमने पूरी साइंस की नोट्स आप लोगों के लिए रेडी करी ली है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वो नोट्स पढ़ना है, एग्जाम के भी वही पढ़ना है, टेक्स्ट बुक की कोई जरूरी नहीं है। टेक्स्ट बुक हमको रेफरेंस के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखेंगे, ठीक है बेटा। सो जो मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा सब कुछ उसमें ये लिखा हुआ ही रहेगा। तो मैटर का मतलब जिस चीज को आप देख सकते हो जिसके पास कुछ ना कुछ वजन है। भाई अगर मैं बात करूं गुस्सा, क्या गुस्सा कोई जीती जाती चीज है? क्या आप उसे टच कर सकते हो? नहीं ना, गुस्सा का कोई वजन होता है? देख भाई मुझे 12 किलो गुस्सा आ रहा है, आज अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो 12 किलो मैं तुझे फेंक दूंगा कभी बोलते हैं 12 किलो गुस्सा। तो बेटा अगर मैं प्यार की बात करूं, हाय भाई मुझे मेरी मम्मी से 12 मीटर प्यार है, या चलो भाई 2 किलो प्यार है। हैं? 2 किलो प्यार? मम्मी तू तो मुझसे 5 ग्राम भी प्यार नहीं करती है कभी ऐसा बोलते? नहीं ना। सो कुछ ऐसी चीजें, एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं भाई, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हमने कभी देखा नहीं, देख नहीं सकते, वो मैटर नहीं है। लेकिन इसका एक अलग तरीका है, एयर। भाई एयर को भले देख नहीं सकते लेकिन टच तो कर सकते ना, है हवा को। तो हवा एक ऐसी चीज है जिसके पास वजन भी है, जिसको स्पेस भी चाहिए। हमने पढ़ा हुआ है बलून के अंदर हवा भरते तो बलून फूलता है, क्यों? बिकॉज उसको जगह चाहिए एयर को। सो एयर जो है मैटर में है, तो कोई भी तरह का गैस, सारी की सारी गैस जो है मैटर है। समझ में क्या बोल रहा हूं? सो जिसके पास वजन है और जिस जो स्पेस लेता है वो सभी चीजें मैटर कहलाती है। अच्छा भाई मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब ये होती क्या चीज है, किस टाइप से ये डील करती है? सो पहली चीज तो भाई मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है, मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, इतने जीने जीने पार्टिकल्स, आपको और मेरे को दिखेंगे भी नहीं, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दूसरी चीज कि भाई इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, देयर इज अ लिटल स्पेस, बहुत ही छोटी सी स्पेस होती है इन पार्टिकल्स के बीच में, बिटवीन पार्टिकल्स। फिर भाई अभी पार्टिकल्स गैप है, किसी में ज्यादा गैप होती है, किसी में कम गैप होती है, तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं आगे। अभी गैप के डिपेंडिंग, मतलब अगर गैप है
वो बढ़ती भी है तो कभी कम भी हो सकती है, यानी कि कोई उसे धक्का मार रहा है तो कोई उसे खींच भी रहा है। अब पकड़े हुए, देखो नॉर्मली पार्टिकल्स के बीच में गैप है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं बढ़ती, कुछ प्रोसेस होती है तो ही बढ़ती है। तो वो क्यों नहीं बढ़ रही नॉर्मल कंडीशन में? बिकॉज दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स है, ये इसको पकड़ के रखा है, ये इसको पकड़ के रखा है। सो हम कहते हैं देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई अट्रैक्शन का एक फोर्स है, अट्रैक्शन मतलब भाई एक दूसरे को खींचना। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। लास्ट प्रॉपर्टी, मेटल की प्रॉपर्टीज बोलो या सॉरी मेटल्स नहीं, मैटर की प्रॉपर्टीज बोलो या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, एक ही बात है। लास्ट प्रॉपर्टी या लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि भाई इसके जो पार्टिकल्स है ना वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं। इसके पार्टिकल्स देखो हिलते रहते, वाइब्रेट करते रहते कंटिन्यूअसली। जगह कम है तो धीमे धीमे वाइब्रेट करेंगे, जगह ज्यादा है तो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, लेकिन वाइब्रेट करेंगे जरूर। सो पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, कंटिन्यूअस मोशन करते रहेंगे, यहां वहां चलते ही रहेंगे। मोस्टली पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करना मतलब ये टू एंड फ्रो मोशन, आना जाना आना जाना। ओके भाई, अब ये जो प्रॉपर्टीज थी ये मैटर की थी। अब ये मैटर मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से। भाई इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना कि हम देख भी नहीं सकते। अभी उसका एक एग्जाम्पल भी लेंगे कितने छोटे होते हैं, बट जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स की भी अपनी एक प्रॉपर्टीज है। चलो अब हम देखो, बच्चा लोग याद रखना, ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है ये मैटर की है, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज है। चलिए देखते हैं, भाई काला काला हो गया तो इसको चोको थोड़ा गोरा गोरा भी कर देवे भाई। हाँ ये हो गया गोरा गोरा, थोड़ा हुआ लेकिन चलेगा। अच्छा देखिए बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। तो भाई पहली चीज कि भाई दे हैव काइनेटिक एनर्जी। भाई आपने 8th में थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी होगी, जो भी सब्सटेंस मोशन में होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती ही होती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है और काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, भाई अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बढ़ेगा। इंक्रीजेस वाइब्रेशन इंक्रीजेस। अब भाई वाइब्रेशन बढ़ेगा मतलब सीधी सी बात है उसकी स्पीड बढ़ रही है आगे पीछे होने की, स्पीड बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि भाई काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने वाली है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ये मेन दो प्रॉपर्टीज आप याद रखना। फिर हमने पढ़ा ना देयर इज लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, वो इसका भी एक हिस्सा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वो भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। दे आर वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम, वो भी यहाँ लिखा जा सकता है। सो मैटर की जो दो प्रॉपर्टीज है, एक तो स्पेस वाली और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली, वो दो यहाँ पे भी लिखी जा सकती है। ये खास याद रखना पड़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा सो टेम्परेचर के कारण वाइब्रेशन बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, और अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो उसके कारण काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ये याद रखना, बहुत ही काम आने वाला है ये आगे। ठीक है बच्चा लोग, अब हम आगे देखें। भाई अब हम देखते हैं कि यार ये पार्टिकल्स जो होते हैं ना उसकी साइज आखिरकार कितनी छोटी होती है। बहुत छोटी होती है, लेकिन बहुत कितनी? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि मैंने एक बीकर में एक वाटर ले लिया पानी, और उस पानी में मैं डाल देता हूं आपका रूह अफ़ज़ा, है ना, मीठा मीठा रूह अफ़ज़ा। आपको पता है भाई रूह अफ़ज़ा डालते ही क्या होगा, ये या तो पिंक या तो रेडिश हो जाएगा। चलो मैं पिंक लेके मान के चलता हूँ। अब मैं दूसरा एक कंटेनर लेता हूँ, उसमें भी मैं पानी डाल देता हूँ, जितना इसमें ला था उतना ही पानी। मैं क्या करता हूँ, मैं यहां से ये ना एक ढक्कन जितना, भाई आप वाटर बॉटल की, छोटी वाटर बॉटल की एक ढक्कन जितना पानी उठाओ उसमें से लेके इसमें डाल दो। जब आप यहां डालोगे तो आप देखोगे कि ये भी पिंक कलर हो गया है। कौन सा कलर हो गया है? पिंक। मैं फिर से एक और बीकर ले लेता हूं, फिर से उसमें इक्वल पानी डाल देता हूं जितना पहले दो में था, एंड वापस ये मैं जो ढक्कन यहां से लिया था ना वही ढक्कन में फिर से इसको भरता हूं एंड उसको यहां डाल देता हूं, फिर से मैं पाऊंगा कि यार ये पिंक कलर हो गया है। फिर से भाई पिंक कलर तो होता जा रहा है, लेकिन जो
पिंक कलर की ब्राइटनेस है वो कम होती जा रही है, मतलब थोड़ा कलर डीम होता जा रहा है। दो चीजें सोचने वाली है यहाँ पे। पहली चीज ये कि यार इतना सा मैंने लिया था उसके कारण ये भी पिंक कलर हो गया, इतना सा इसका लिया वो भी पिंक कलर हो गया, ऐसा क्यों? रूह अफ़ज़ा तो मैंने इसमें डाला, इसमें तो डाला नहीं, उसमें डाला नहीं है, फिर वो पिंक कलर क्यों हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन कि यार कलर कम क्यों होता जा रहा है? चलो तो कलर आ भी गया किसी कारण, तो कलर कम क्यों होता जा रहा है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर कि भाई रूह अफ़ज़ा इसमें नहीं डाला फिर भी इसका कलर पिंक हो गया, क्यों? बिकॉज भाई जब आपने इसका ढक्कन भर पानी लिया तो उस ढक्कन भर पानी में रूह अफ़ज़ा के बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए, बहुत सारे। भाई एक सीधी सी बात है, अगर पतले लड़के हैं, अगर स्कूल की बात करूं, पतले बच्चे हैं तो एक बेंच में पांच पांच बच्चे बैठ जाते हैं, लेकिन अगर अट्टे गट्टे मोटे आपके और मेरी तरह अगर बच्चे हैं तो एक बेंच में मुश्किल से दो बच्चे आते, तीसरा बच्चा आएगा तो भी ये जाना यार साइड में होना, मतलब अगर आपकी साइज कम है तो उतनी जगह में ज्यादा आ जाएंगे, साइज आपकी ज्यादा है तो उतनी ही जगह में कम लोग आएंगे। सीधी सी बात है कि पार्टिकल की साइज इतनी छोटी होती है कि एक व्हाट वी से ढक्कन में भी इतने सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं, और एक ढेर सारे पार्टिकल्स आने के कारण ही ये भी पिंक हो गया और अगेन ये भी पिंक हो गया। बट जितने पार्टिकल्स इधर डाले थे रूह अफ़ज़ा के, क्या उतने ही पार्टिकल्स इधर गए हैं? जितने पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन के हमने यहां डाले थे, क्या उतने ही पार्टिकल्स यहां गए? ऑब्वियसली नॉट। भाई रूह अफ़ज़ा में सपोज करो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं कि 1000 पार्टिकल्स डाले सपोज, तो यहां लूंगा तो कितने आएंगे? 500 आएंगे, 600 आ जाएंगे। और जब इसमें से लूंगा 600 पार्टिकल्स इसमें डाले, और इसका मैं अगर एक ढक्कन जितना लेता हूं तो कितना आएगा? 200-300 जितना आ जाएगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? तो पार्टिकल्स कम हुए इसीलिए कलर कम हुआ, कलर डिम हो गया, लेकिन इतने से भी बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए। सो पार्टिकल की साइज, आप बोलोगे सर यहाँ भी साइज कितनी क्या पता? सो एक्चुअली पार्टिकल ऑफ साइज इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, हम सोच भी नहीं सकते इतनी छोटी उसकी साइज होती है। एंड ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं देख सकते, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हाईली टेक्निफाइड इंस्ट्रूमेंट चाहिए इन पार्टिकल्स को देखने के लिए। ओके बच्चा लोग समझ आया? सो हमने अभी तक देखा कि मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज, फिर पार्टिकल की साइज, इतना हमने देखा। भाई अब डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, भाई पार्टिकल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके डिपेंडिंग मैटर को तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। बड़े ध्यान से सुनना, बिकॉज हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर अब इस टॉपिक पे ही डिपेंड है, मैटर्स। ठीक है सर, मैटर लेके चलते, कोई बात नहीं। इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन व्हाट, किस किसको देखते हुए इसको हम अलग अलग कर रहे हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स के बीच की जो गैप होती है उसके डिपेंडिंग हम मैटर को तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं, और ये तीनों तरीके आप पहले ही सुन चुके हो। पहला तरीका है सॉलिड, याद आ गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हाँ सर, कुछ जाना पहचाना दिखा, ये पहले तो नाइन्थ में क्या क्या पढ़ा से पता नहीं, अब लगता है कुछ अच्छा है ना, जब हम जूने लोग को देखते हैं ना तो खुशी होती है ना। ठीक भाई, तो पहले आप लोग ने जो पढ़ा था वो प्रॉपर्टीज पढ़ के छोड़ दिया था, अब ऐसा नहीं करना है, अब प्रॉपर्टीज को गहराई से समझना है, पढ़ना वही चीज है लेकिन उसे गहराई से समझना है। देखो अगर मैं सॉलिड की बात करूं, सो भाई सॉलिड के जो पार्टिकल्स है उसके बीच की स्पेस काफी कम होती है, स्पेस इज वेरी लेस। अब भाई स्पेस बहुत कम क्यों होती है? बिकॉज जो ये फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा, देखो इन तीनों में स्पेस है, इन तीनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तीनों की हम जो देखने वाले ना वो एक ही चीज को लेके देखने वाले, मतलब अगर स्पेस है तो तीनों के पास है, लेकिन किसी के पास कम है तो किसी के पास ज्यादा है, वही हमें देखना है यहाँ पे। इसके पास स्पेस बहुत ही कम है, क्यों? बिकॉज इसका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इज मच मोर। दूसरी चीज भाई, अब स्पेस कम है यानी कि पार्टिकल्स आर टाइटली बॉन्डेड, टाइटली बॉन्डेड का मतलब है, देखो भाई अगर मैं सॉलिड के पार्टिकल्स को ड्रॉ करूं तो भाई उसके पार्टिकल्स कुछ इस टाइप से होंगे,
बहुत ही कम स्पेस होगी, बहुत ही कम। तो भाई ये क्या हो रहा है, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में चिपके हुए हैं ना, इसी चिपके हुए को बोलते हैं पार्टिकल्स आर टाइटली बॉन्डेड। टाइटली बॉन्डेड, बॉन्डेड का मतलब चिपका हुआ, टाइटली मतलब एकदम नजदीक नजदीक चिपका हुआ। अब इसी के कारण, नजदीक नजदीक चिपके हुए होने के कारण ही भाई ये फ्लो नहीं हो सकता, ये बह नहीं सकता। इट कैन नॉट फ्लो, ये बह नहीं सकता। जैसे पानी बहता है ना, पानी को छोड़ो बहना शुरू हो जाएगा, लेकिन लिक्विड देखो ये मार्कर छोड़ा, क्या बह रहा है? नहीं बह रहा ना, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ही नजदीक नजदीक है, बहुत ही टाइट बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, इन सभी पार्टिकल्स के बीच में। अब भाई एक चीज और है, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, भाई इसे दबाया भी नहीं जा सकता। ये देखो मैं सॉलिड को दबा रहा हूं, क्या दब रहा है? नहीं दब रहा, बहुत फोर्स लगाऊंगा तो टूट जाएगा लेकिन दबेगा नहीं। कंप्रेस का मतलब क्या होता है भाई? ये देखो, ये एक कपड़ा है, ये मैंने कंप्रेस किया, दब गया, ये कंप्रेस किया, ये दब गया, तो क्या ये लिक्विड हो गया? ना 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 ना, ये भी सॉलिड ही, क्या ये बह रहा है? नहीं बह रहा, ये सॉलिड ही। तो अब आप बोलोगे सर ये सॉलिड कंप्रेस नहीं होता, लेकिन ये सॉलिड कंप्रेस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई सॉलिड में भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, सेमी सॉलिड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है वो हम देखेंगे। सॉलिड उसे कहेंगे जिसमें फ्लो नहीं होता, सिंपल। अब कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो दब सकते हैं लेकिन उसका शेप वापस मिल सकता है, इस टाइप के होते हैं। पर जनरली हम ये मान के चलते हैं कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। दूसरी चीज, चले अब हम हाँ एक चीज और यहां पे रह गई भाई, इसमें फोर्स ज्यादा है आसपास है, और इसी चीज के कारण सॉलिड जो है कैन नॉट चेंज इट्स शेप एंड वॉल्यूम। भाई मतलब सॉलिड का शेप अपने आप कभी चेंज नहीं होता। देखो पड़ा हुआ है, क्या चेंज हुआ? नहीं हुआ ना। अगर मैं पानी डालू तो पानी तो थोड़ा यहां जाएगा, थोड़ा यहां जाएगा, हर जगह चेंज हो जाएगा, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता। दूसरी वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब ये लेंथ की, ये मार्कर की जो वॉल्यूम है, जो स्पेस है अंदर की स्पेस, क्या उसमें भी बदलाव आने वाला है? जब तक मैं कुछ ना, हाँ मैं कुछ करूंगा तो पक्का आएगा, लेकिन जब तक कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट पड़ी हुई है, क्या इसके वॉल्यूम में कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा। चल मैं जैसे लिख रहा हूं, क्या वॉल्यूम में कोई चेंज आया? अंदर की स्पेस में कुछ चेंज आया? नहीं आया। मतलब इसकी जो शेप एंड वॉल्यूम है वो फिक्स रहती है, कैन नॉट चेंज, या तो बोल सकते हो हैव या हैज फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। अब भाई चला लिक्विड की बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, इसके बीच में स्पेस बहुत ही कम है, स्पेस इज मोर देन इन सॉलिड। भाई सॉलिड के अंदर जितनी स्पेस है उससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है बट सॉलिड के कंपेरिजन में ज्यादा है। फिर अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं, भाई देखो अगर मैं लिक्विड को यहां पे बनाऊं, थोड़ा भाई साइड में आ जाओ, अगर मैं लिक्विड के पार्टिकल्स का एक डायग्राम ड्रॉ करूं, सो वो कुछ इस टाइप से होंगे। देखो सॉलिड में एकदम चिपके हुए हैं, इसमें भी चिपके हुए, इसमें स्पेस ज्यादा होगी, दिख रहा है आपको दोनों के कंपेरिजन। सो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेसर देन इन सॉलिड। भाई सॉलिड में जितना फोर्स होता है, देखो चिपके हुए ना, फोर्स ज्यादा है, इसमें फोर्स कम है, इसलिए एकदम चिपके हुए नहीं, थोड़ा अलग अलग है। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई स्ट्रिक्ट टीचर आपके क्लास में आ जाएंगे तो सब, लेकिन अगर कोई स्ट्रिक्ट टीचर नहीं है, मस्ती वाला टीचर है, तो यह झूमता रहेगा, मतलब ये जो उंगली है यहां से निकल जाती है। तो स्ट्रिक्ट टीचर फोर्स ज्यादा, अगर स्ट्रिक्ट टीचर नहीं है तो फोर्स कम, बस वही चीज है। फिर हमने क्या बोला था, पार्टिकल्स आर टाइटली बॉन्डेड, तो इसमें पार्टिकल्स आर लूजली बॉन्डेड, है ना, चिपके हुए हैं लेकिन कैसे, लूजली, बहुत ढीले ढीले है, थोड़ा दूर दूर है। ये है जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते बट बहुत कम, ये बिल्कुल मेंटेन नहीं करते, गंदे। ओके भाई अब देखो, इसके पार्टिकल लूजली बॉन्डेड है, इसकी वजह से इट कैन फ्लो, ये बह सकता है, अगर मैं पानी को यहां छोड़ू तो बह जाएगा।
कोई भी लिक्विड, दूध को छोड़ो दूध भी बह जाएगा। फिर इट कैन बी कंप्रेस्ड मोर देन द सॉलिड। देखो सॉलिड में जगह ही नहीं है, अब बीच में जगह नहीं तो आप दबाओगे कहां, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इसमें जगह है, इसमें जगह होने के कारण जब आप लिक्विड को दबाते हो तो वो थोड़ा दब जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका सोडा। जब हम सोडा पीते तो आपने देखा होगा कि एक मशीन आती है उसमें से फुस 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 करता है। तो फुसफुस क्या है भाई, वो पानी को दबाने की कोशिश की जा रही है। सो पानी को दबा रहा है मतलब वो क्यों पॉसिबल है, बिकॉज इसके बीच में स्पेस है। अगर स्पेस है तो दबो, नहीं है तो नहीं दबेगा, सीधी सी बात है। ओके सो इट कैन बी कंप्रेस्ड। एंड लास्ट पॉइंट, इट डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। चलो तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, इट डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। भाई ये तो बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं हम भाई, सॉरी, डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। देखो जब आप पानी को किसी एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में डालते हो तो उसका शेप बदल जाता है। सो कहां से शेप होगा, देखो ये मार्कर को मैं एक जगह से दूसरे का डाल रहा हूं, क्या इसका शेप चेंज हुआ, नहीं। लेकिन अगर यही पानी को यहां से डाला होता तो बदल जाता, शेप बदल सकता था। तो शेप तो समझ गए अब। लेकिन जब मान लो कि एक गिलास में से, भाई एक गिलास में से दूसरे गिलास में पानी डालता हूं तो क्या पानी कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, नहीं ना, जितना पहले था उतना ही रहेगा। भाई अभी हम ये दूसरे लॉजिक में लगाना, जैसे धूप है बहुत गर्मी है थोड़ा बहुत इवापोरेट भाप बन जाएगा, वो सब मत लगाना। एक सिंपल सी चीज है, नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं पानी को एक गिलास में दूसरे गिलास में डालूंगा तो वो उतना का उतना रहेगा क्वांटिटी वाइज। सो क्वांटिटी वाइज इतना मतलब कि उसका वॉल्यूम फिक्स है, क्वांटिटी मीन्स नथिंग बट द वॉल्यूम। सो भाई उसके पास फिक्स वॉल्यूम है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। अब आओ गैस के बारे में बात करते हैं। भाई पहले स्पेस की बात हो रही ना, तो इसके बीच में तो बहुत जबरदस्त स्पेस होती है, खुल्लम खुल्ला ऐश करेंगे हम लोग, है ना। तो भाई स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। मैक्सिमम वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है कि इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा है, सबसे ज्यादा उसके पास है इन दोनों के कंपैरिजन में। फिर भाई स्पेस बहुत ज्यादा, सीधी सी बात है फोर्स बहुत ही कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम। भाई देखो मैंने पहले ही कहा था कि हम जो पॉइंट कह रहे हैं ये एक दूसरे के कंपैरिजन में कह रहे हैं, लीस्ट मतलब इन दोनों से कम है। फोर्स की बात हो गई, अब क्या बोलते हैं पार्टिकल्स आर लूजली बॉन्डेड, तो इसमें भी लूजली बॉन्ड लेकिन इससे भी ज्यादा लूजली है। सो हम बोलेंगे पार्टिकल्स आर वेरी लूजली बॉन्डेड, बहुत ही ज्यादा हल्के बंधे हुए हैं। सॉरी बच्चा लोग। ओके फिर भाई सॉलिड बह नहीं सकता, पानी बह सकता है और गैस बह सकती है। गैस को छोड़ो तो सीधा उड़ के निकलेगा ना यहां वहां, सो इट कैन ऑल्सो फ्लो। फिर क्या इसे दबाया जा सकता है, यस yes, दबाया जा सकता है। भाई आपके छोटे से गैस के सिलेंडर में इतना गैस आता है कि आराम से आपका 20 दिन या एक महीना निकल जाए। सुबह नाश्ता अलग, शाम को रात को खाना अलग, दोपहर का खाना अलग, इतनी बार बन के ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज महीना निकल जाता है। क्यों, बिकॉज उतने से सिलेंडर में गैस को दबा दबा के भरा जाता है। जैसे कि एक छोटे से रिक्शा में 15 बच्चों को भरा जाता है, वैसे ही एक छोटे से बाटले में आपके बहुत सारे गैस को भरा जाता है। सो बच्चा लोग देखो इसके बीच में स्पेस ज्यादा है तो सीधी सी बात है कि इसको और भी ज्यादा दबाया जा सकता है। सो हम बोलेंगे इट कैन बी कंप्रेस्ड, इट कैन बी कंप्रेस्ड अप टू मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट का मतलब है कि भाई इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। ओके एंड अब अगर मैं शेप और वॉल्यूम की बात करूं तो भाई गैस का तो ना ही फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है। इट नेदर हैज फिक्स शेप नॉर वॉल्यूम। भाई अगर मान लो कि मैं यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस छोड़ू, क्या होगा कि वो सब फैलना शुरू हो जाएगा। फैल रही है मतलब उसका शेप चेंज हो रहा है और
और मान लो कि मेरे को फिर से लेनी है तो उसका क्वांटिटी कम ज्यादा हो गई होगा। जब मैं गैस को एक जगह से दूसरी जगह डालूंगा तो थोड़ी बहुत गैस तो निकल के बाहर चली जाएगी कहीं ना कहीं एटमोसफेयर में या कहीं पे भी। इसका मतलब हुआ क्या कि भाई पूरी गैस वापस नहीं आई, तो उसकी क्वांटिटी में बदलाव आ गया, मतलब वॉल्यूम में बदलाव आ गया। इसीलिए हम कहते हैं कि उसके वॉल्यूम और शेप में कभी फिक्स नहीं रहता। ठीक है बच्चों लोग, अब और भी दो टाइप के मैटर्स होते हैं आपके 9th के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो सिलेबस में यही है, बट और भी दो टाइप है। खाली हम उसका नाम देख लेते हैं और वो क्या होता है वो देख लेते हैं, उसके बारे में हमको लर्न नहीं करना है, खाली नॉलेज पर्पस के लिए हम देख रहे हैं। प्लाज्मा, भाई प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? एक्चुअली वो गैस टाइप का ही होता है लेकिन उसके अंदर आयोनाइज्ड गैस होती है। आयोनाइज्ड मतलब ऐसी गैस जिसके पास आयन्स होते हैं, जिसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अभी आयोनाइजेशन क्या होता है, चार्ज क्या होता है, एक्चुअली वैलेंसी होती है, ये सब हम आपके थर्ड और फोर्थ चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपके तो समझ नहीं आएगा, खैर आप इतना याद रखो कि वो गैसेस होता है लेकिन अलग अलग, वो टूटी हुई गैस होती है आयोनाइज्ड, एक ही गैस अलग अलग चीज में टूट जाती है, इस टाइप की गैस होती है पावरफुल। और फिफ्थ मैटर होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी, फुल फॉर्म क्या होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। भैया बोस और आइंस्टाइन दो साइंटिस्ट है जिन्होंने मिलके इसके बारे में बताया था। इसमें क्या रहता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एकदम लो टेम्परेचर -100 -500 -1000 डिग्री सेल्सियस पे पाया जाता है, और ये पार्टिकल्स, ये जितने भी मैटर्स होते हैं उसके पार्टिकल्स सॉलिड से भी ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होते हैं, मतलब इसके बीच में फिर भी थोड़ी सी डिस्टेंस है। उन पार्टिकल्स में बीईसी के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें तो डिस्टेंस इससे भी कम होता है। ठीक है, सो भाई उसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में देखना नहीं है, वो पढ़ना नहीं है। सो मेन आपके तीन मैटर्स यही है, इसके डिफरेंस बिटवीन आपको कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या किसी एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जाती है। ओके बच्चा लोग, सो आज के लिए बेटा आपके इस पहले वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वरना आप हमें मार देंगे, बोलेंगे सर पहली बार में इतना सारा पढ़ा दिया। बड़ा अभी चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है और दो लेक्चर में तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। बड़ा आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।